हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी, आपने अपने पर्स का कलेक्शन, बैंगल का कलेक्शन नहीं शेयर किया। बहुत बार बोला अपने हाथों में नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हुआ क्या ना, इसके नेक्स्ट ईयर में शिफ्टिंग हो गई थी मेरी, तो मैं शिफ्टिंग की वजह से नहीं कर पाई। फिर यहाँ आके सेट होने में थोड़ा सा समय लग गया, तो उस वजह से भी नहीं हो पाई। फिर इस साल बहुत ज़्यादा कमेंट था, दीदी सावन का महीना चल रहा है, प्लीज़ कुछ नहीं तो ग्रीन चूड़ी वाला कलेक्शन दिखा दीजिए, और क्या नया ख़रीदा है तो वो भी बता दीजिए। देखिए, नया तो ना मैंने इस साल बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा, और इनफैक्ट मैं मौके से ख़रीद भी नहीं पाई, क्योंकि जब सावन शुरू हो रहा था, पूर्णिमा वाले दिन ही मेरे बेटे का नामकरण अनप्राशन था ना, तो मैं उसमें बिजी थी, तो फिर मैं नहीं ले पाई। तो मैंने आज मेरे हस्बैंड ने देखिए मुझे ये वाली ग्रीन चूड़ी दिखा दिलाई है, जो कि मूज ग्रीन कलर की है। बहुत प्यारी सी चूड़ी है ये, और इन पे अपना ही सेल्फ वर्क है ये, देखें तो ये बहुत प्यारी चूड़ी है। ये चूड़ी मुझे किसी ने दिलाई, मेरे हस्बैंड ने दिलाई है, और उन्होंने मेरा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया बहुत ज़्यादा, अब मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक बहुत ही प्यारे से ये वाले कंगन भी दिलाए उन्होंने, बहुत सुंदर कंगन है ये। और जो भी पुरुष हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, मैं बता दूं भाई, सावन आवन में या जैसे भी है, अपनी पत्नियों को ऋतु के अनुसार सब चीज़ें दिलाते रहा करें, इससे जो है वो लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है कि नहीं? सुन रहे ना, अब क्यों बोलती हूँ है? और उसके भैया बस उसी भैया कुछ भी झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो मेरे पैसे थे। और उसके बाद जो है मैंने ये वाला एक पेयर खरीदा, बहुत सुंदर है ये तो बड़ा प्यारा सा, आप साड़ी पहन लीजिए बस इतना आप इसको पहन के जो है वो चले जाइए कोई चोर नहीं हो, चुप रहिया तो ये मैं अभी ये बात चैनल पर क्लियर कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, मैं जाती हूँ महीने का जो है मंथली वाली ग्रॉसरी, तो मैं मॉल से नहीं खरीदती, मैं लोकल आउटलेट से खरीदती हूँ। तो ग्रॉसरी के बाद उसमें जो 1000-1500 बचते मैं उठा के अपने गुल्लक में डाल देती हूँ, और वो गलती से मैंने इनको बता दिया है। अब जिस दिन से ये जान गए मुझे चोर बोल रहा है, या तो मुझे चोर बोलते या तो कहते जो गुल्लक है उनको आधा आधा कर लो, कैसे कर लूँ मैं, मेरी मेहनत की गुल्लक है वो, मैंने कितनी मेहनत से भरा है उसे, कितना पेशेंस चाहिए भरने के लिए, ये सोचिए ना। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये वाली चूड़ी दिलाई मुझे उन्होंने, ग्रीन वाली बहुत प्यारी लग रही है, और उसके बाद ये वाले कंगन का सेट दिलाई, ये भी बड़ा प्यारा सा है, और ये शायद 100 रुपये का आया, और मैंने ना इसे गड़बड़ झाला से आप चुप हो जाइए, बोल ही रही हूँ मैं आपसे, आज पता नहीं क्या ही हो गया, भूख इतना परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने एक ये कंगन का पेयर लिया, ये भी बड़ा प्यारा सा था, ये देखे तो बहुत सुंदर है, ये भी 100 का आया, और आप लोग जो लखनऊ से हैं वो जानते हैं गड़बड़झाला क्या है, तो मैंने इसे गड़बड़झाले से लिया। अब मैं कह देना कि वो गड़बड़झाला में भी सब चोर रहते हैं, ये मत बोल देना। और ये एक मैंने कंगन लिए, बड़े सुंदर से हैं ये, मैंने दो ही लिए, और मुझे लगा मुझे 4 ले लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं, चले कोई बात नहीं, लड़ लीजिए आज आप उससे, मैं दूंगी नहीं, लेकिन चाहे जो हो जाए। और ये वाले जो ऐसे ना, इस पर फ्लावर्स बने हुए बहुत प्यारी सी, इस पर जो है ये माला की डिटेलिंग है, और सारे बैंगल ग्लास के ही हैं। तो मैंने आपको बताया मैं बहुत कम मेटल के कंगन पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को ना हाथ में रैशेज हो जाते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बैंगल का कलेक्शन ग्रीन, विशेषकर जो सावन में। अच्छा, मैंने एक बैंगल और लिए, और इसका ना मैं उसका एडवांस में बोल के आई हूँ, ग्रीन खत्म हो गया था, मैंने मेरे को ग्रीन चाहिए इसका, चाहे कहीं से ला के दो। तो खैर वो एक दो दिन में मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया है, वो ले आएगा, जब वो ले आएगा ना मैं आपके दिया जी को भेज के मंगा लूँगी, ला देंगे ना। ला देंगे ना, नहीं ला देंगे तो खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा। ये वाले मैंने मल्टी कलर का ले लिया था, इसका बहुत प्यारा सा है ये कांच के बैंगल है ये, मल्टी कलर के, और इसका ग्रीन बहुत प्यारा था। एक दुकान पे मैंने और देखा था, पर बट पता वहाँ पे ना मेरा साइज नहीं था, तो इस वजह से मैं नहीं ले पाई, तो मैंने ये लिया। चलिए अब मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ, मेरे पास कलेक्शन में क्या क्या है। सो बस यहाँ से ये है इतना, और ये है, तो अब मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, इसमें चूँकि मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने चूड़ी ली तोड़ दी और बस फेंक दी, उसमें से कुछ चूड़ियाँ बचा कर रख लेती हूँ, एज ए याद के तौर पर रहती हैं वो, और मेरे हस्बैंड इतने दुष्ट होते जा रहे हैं क्या बताऊँ मैं। तो ये जो मेरी चूड़ी है ना,
ये मेरे मतलब फर्स्ट सावन की चूड़ी है, बहुत पुरानी है। आई होप आप सब ने पहनी होंगी ऐसी चूड़ी, बहुत पुरानी चूड़ी है, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। अच्छा, सावन में मैं चूड़ी पहन लेती हूँ, फिर वो हरी वाली निकाल के रख लेती हूँ, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मतलब मैं रख लेती हूँ। मेरे पास बहुत मतलब वो इतनी पुरानी चूड़ी रखी है ना, उनके कलर तक उतर गए हैं, लेकिन फिर भी वो रखी हुई है, फेंकती नहीं हूँ मैं। सो ये मेरी देखिए एकदम नई सी लगती हैं, चूँकि इसका कलर ग्रीन है ना, तो वीडियो में ये बड़ी नई सी लग रही है, बट ये ऐसी है नहीं, ये बहुत डल हो गई है, बहुत डल हो गई। ये बाप बेटे मिलकर मेरा जीना आराम कर रहे हैं, और कुछ नहीं, मैंने क्या ही बता दिया इनको गुल्लक के बारे में, नहीं बताना चाहिए था। एक्चुअली मुझे ना कोई एक आइटम बनवाना था गोल्ड का, उसी चक्कर में इनको बता दिया, बस तब से जब से जान गए तब से पीछे ही पड़ गए। तो ये वाले जो है वो बैंगल है मेरे, और बहुत प्यारे हैं ये, मैंने पहने, बहुत पहने, उसके बाद मैंने इसे निकाल के रखा है। अब भी मैं मिक्स एंड मैच करके जो है इन्हें पहन लेती हूँ, ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी मेरे सावन के बैंगल है। अच्छा, जो आप ग्रीन देख रहे हैं मोस्टली मैंने इन्हें सावन में ही खरीदा है। कहाँ जा रहे हो, एक कॉफ़ी बना देना, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट बैंगल ये है, और ये वाले बैंगल जो लोग इलाहाबाद से हैं वो हमारे यहाँ जानते होंगे, इस टाइप के बैंगल ना हमारे यहाँ उसमें सिलमाइन में भी वाले दिन भी पहनते हैं, रेड ग्रीन एंड येलो। सो ये उसी का ग्रीन है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, मैं सेट में मिला के पहन लेती हूँ, और ये निकलता भी नहीं है, बहुत पक्की चूड़ी है ये, बहुत पक्की चूड़ी। तो ये एक ग्रीन बैंगल है। अच्छा, उसके बाद हाँ चुप रहिए, अब दोबारा बोलेंगे तो बताऊंगी मैं, परेशान ही कर दिया मेरे को। और उसके बाद ये जिगजैग वाले बैंगल हैं, और इन्हें मैंने पता कहाँ से खरीदा था सबसे पहली बार, वो कौन सी जगह जहाँ हम लोग गए थे याद है आपको? ए नहीं, वो हम लोग अपनी एनिवर्सरी में गए थे, वो जो शंकर जी का मंदिर है बनारस में, वो गोमती जी पार करने के बाद है, मारकंडे महादेव। हाँ, मारकंडे महादेव में गई थी, और ये मैंने मुझे हस्बैंड ने वहाँ से दिलवाई थी चूड़ियाँ, इन्होंने ही मुझे वहाँ से दिलवाई थी, मैंने ग्रीन ही खरीद ली थी। और मैं भी हम लोग सावन में ही गए थे ना, मैं पहली बार हम लोग एनिवर्सरी पर नहीं गई थी, पहली बार मैं सावन में गई थी, दूसरी बार मैं अपनी एनिवर्सरी में गई थी, तब भी मैं सेम बैंगल लेके आई थी, और मेरे पास बहुत सारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो ये इस तरीके से एक पेयर है मेरे पास। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको, पहले मैं आपको बैंगल ही दिखा देती हूँ, बगाई की चीज़ें बाद में दिखाऊंगी। नेक्स्ट बैंगल ये है मेरे पास, ये भी बहुत प्यारी लगती हैं स्टोन वर्क में, ज़्यादातर साड़ियों में जो पिंक रेड कलर की साड़ी होती है ग्रीन काम होता ही होता है, तो उसमें ये बड़े अच्छे से चल जाती हैं, गोल्डन के साथ नग लगा हुआ है इस पर जर्किन वाला। सो ये भी कांच के ही हैं, बहुत प्यारे बैंगल हैं। सो ये है एक पेयर। उसके बाद ये भी उसी तरीके के हैवी बैंगल हैं, और अच्छे से स्टोन है, पार्टी वेयर है, आप इन्हें सिंगल भी पहन लीजिए ना, बड़े ही प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारा लुक है। अच्छा, कभी कोई छः होंगी कोई आठ होंगी, क्या होता है ना एक दो चूड़ी कभी कभी मोल जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ी कम भी हो सकती है, मतलब पूरी संख्या में नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद ये भी देखिए प्लेन बैंगल भी है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी बैंगल है, इसे भी मैं पहनती हूँ डेली वेयर में, तो ये भी बहुत अच्छी बैंगल है, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ला के दी थी पर्सनली। एक बार क्या हुआ ना, मेरी साड़ी मुझे चोट लगी थी, मेरी चूड़ियाँ उसमें मोल गई थी बहुत सारी, तो फिर हस्बैंड गए तुरंत तुरंत मेरे लिए चूड़ी लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये पैरेट ग्रीन कलर में है, और ये बहुत सुंदर है। अगर आपके यहाँ मतलब लोकल में कहीं बैंगल मिलता हो ना, तो आप ये ज़रूर खरीदिएगा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, इतना प्यारी लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे और इसका मतलब लेना है। देखिए कम हो गई है तो मुझे लेना है, मैं लूँगी इसको, मैं भूल जाती हूँ मार्केट जाती हूँ तो। सो ये एक बैंगल है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अगर आपके पास नहीं है ना, सो प्लीज़ आप अपने यहाँ चेक करिएगा मार्केट में, इसको ज़रूर लीजिएगा, इसके सभी कलर वेरियंट बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी है, लेकिन इस चूड़ी की मैं आपको एक निगेटिव बताऊँ क्या है, मैं बताऊँ आपको, जो इसका लुक है भाई, वो उसका तो कोई मतलब कहना ही नहीं है, आउट स्टैंडिंग है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत भारी होती है पहनने पर, पता है ये बहुत हैवी हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है इसके ये जो है ना शीशे यहाँ किनारे पर, इसमें कपड़ा फंसता है, तो उसका कपड़ा ख़राब कर देता है। वैसे लुक वाइज ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसके मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, बट फिर मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट समझ में आया ना, तो तब से मैं थोड़ा सा इसको कम लेती हूँ, ये है। उसके बाद ये उसी की रह गई थी, क्या बे 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 गाना गा रहे हो, चुप रहो। हाँ देखिए कैसे गाना गा रहा है, और अपने पापा को परेशान कर रहा है।
अच्छा उसके बाद ये मेरे पास एक पैरेट ग्रीन में बैंगल है, ये देखें इस तरीके से, ये भी बहुत सुंदर है। अच्छा ये तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल चलती हैं तो मैंने पहनती हूँ, ये भी अच्छी हैं और ये काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जाती हैं आपको, काफ़ी चीप रेट पर मिल जाती हैं। सो ये बैंगल ग्रीन कलर की एक ये हैं। उसके बाद मैं भी आपको सारी बैंगल दिखा रही हूँ, कंगन मैं आपको ना बाद में दिखाऊँगी, एकदम लास्ट में दिखाऊँगी कंगन, क्योंकि बैंगल की वैरायटी थोड़ी सी मेरे पास कम है, कंगन की ज़्यादा है। तो पहले मैं आपको वही दिखा देती हूँ। क्या हो गया है यार, क्या हो गया इसे? हाँ ऐसे ये बिल्कुल आप पे गया इस मामले में। और उसके बाद ये मेरे पास एक बैंगल है ग्रीन कलर की, ये भी बहुत सुंदर है और इनको ना मन की आंखें बोलते हैं, ये आपको कहीं भी इजी अवेलेबल हो जाएंगे, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा पता, मेरे को इस टाइप के बैंगल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो प्लेन बैंगल होती है ना एकदम से, ये वाली इससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये लगती हैं। सो सावन के कलेक्शन में ये भी मैंने इंक्लूड किए हैं, पार्टी वेयर भी हैं, कभी कहीं भी किसी के साथ मिक्स एंड मैच करके मैं पहन लेती हूँ। मेरे पास आपको चूड़ियाँ कम मिलेंगी, बैंगल मतलब कम है, कंगन ज़्यादा है, क्योंकि कंगन मैं रैपिडली पहन लेती हूँ, चूड़ी फिर उतना हाथ भर के मुझसे नहीं पहनी जाती। और जब से मेरा बेबी हुआ ना तब से तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, पकड़ लेता है चूड़ी तो मुझे ना डर लगने लगता है। अच्छा उसके बाद ये एक मेरे पास बैंगल है और ये बहुत पुराने डिज़ाइन की बैंगल है, बहुत पुराने, मतलब मैंने अपनी दादी को उस डिज़ाइन में बैंगल पहने देखा है और उसके बाद फिर मार्केट में आई थी तो मैंने ख़रीदा था ना। ये देखें गाँव में जब चैत वगैरह कटता है ना तब ये वाली कम चूड़ियाँ आती हैं। सो इस पर अपना ही कांच का एक काम है, जो कि बड़ी सुंदर सी चूड़ी है ये। क्या कर रहे हो भाई, शांत हो जाओ। तो ये एक चूड़ी जो है सेट है, ये भी बहुत प्यारा सा है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना ये वाली चूड़ी जिगजैग वाली, उसी की ये भी है, कभी जैसे आना जाना कहीं होता है ना तो पहन लेती हूँ। तो ये मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी, क्या मतलब क्वांटिटी, वैरायटी नहीं, ये मेरे पास बहुत सारी क्वांटिटी में है। अच्छा और उसके बाद मेरे पास एक ग्रीन में ये भी है, बट ये उतना अच्छा ग्रीन नहीं, सी ग्रीन टाइप का कलर है ये, सी ग्रीन भी क्या ही बोलेंगे इसको, ये वाला ग्रीन है। तो ये भी बहुत प्यारा सा लगता है मुझे, लेकिन ये ग्रीन के साथ ही मैंने रखा हुआ है। अच्छा उसके बाद मैं दिखाऊँ आपको ये वाली, ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, मतलब हमारे यहाँ शादी में पहनते ही पहनते हैं, आपने अक्सर मुझे पहने देखा होगा। सो ये वाली चूड़ियाँ, ये पैरेट ग्रीन कलर की हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे पास दो तीन चार दर्जन हमेशा रहती हैं, हमेशा मतलब कभी वैसा होता कि नहीं होती है। अच्छा उसके बाद मेरे पास ग्रीन में ये भी एक बैंगल है, और देखिए सबके डिज़ाइन बिल्कुल अलग हैं, सब यूनिक डिज़ाइन में है, से गाना सुना रहा है अपना, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद मेरे पास ग्रीन में ये भी एक बैंगल है, तो ये भी बड़ी प्यारी सी लगती है। अच्छा इसका मेरे पास ना पिंक भी है, शायद पिंक या रेड, एक कलर और है इस वाले बैंगल का, तो कभी मैं बैंगल कलेक्शन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद ये मेरी न्यू ऐड हुई, ये वाली न्यू ऐड हो ही गई, और ये कंगन पिछले साल के हैं। तो चलिए अब चलते हैं कंगन की तरफ, मैं आपको कंगन दिखाती हूँ, कंगन में क्या क्या वैरायटी है, और मे भी आपने सारे देखे होंगे क्योंकि मैं ख़रीदती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले दिस वन जो हमने आज ही ख़रीदे हैं, बड़े प्यारे से लग रहे हैं, देखें आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, उनकी डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है ये। तो ये एक पेयर मेरे पास है, उसके बाद ये पेयर भी मैंने आज ही ख़रीदा है, सो ये भी बड़ा सुंदर सा कंगन है, ये एक पेयर है मेरे पास, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ। अच्छा ये वाले जिसके पास नहीं है भाई, आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा, उसका रेड बड़ा ही कमाल का लगता है, और मेरे पास उसके सारे कलर हैं, सारे एवरीथिंग, पूरे जितने कलर होते हैं सारे हैं मेरे पास इसके। मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, तो ये वाले भी ग्रीन है, आगे पीछे लगा के आप सिंपल चूड़ी पहन लीजिए, इसका लुक इतना कमाल का आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर लगता है ये, बहुत बहुत सुंदर, मैं आपको ना पहन के दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, मतलब पूछिए मत, इतना सुंदर लगता है ये, मैंने इसे पहन के देखा है। तो ये देखें इस तरीके से पहन लीजिए, कोई जोड़ ही नहीं है, ये देखें बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा, तो इस तरीके से भी आप इसे पहन सकते हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है ना तो आप अपने बैंगल वैनिटी में इसे ज़रूर ऐड करिएगा, ज़रूर से, ये बहुत कमाल की चूड़ी है, कंगन चूड़ी क्या, कंगन बहुत कमाल के, इसे मेरे पास ये चार हैं, तो ये मेरे पास चार कंगन ये वाले हैं,
और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास दो ये वाले हैं और ये शीशे के ही हैं, ये वाले काफ़ी मोटे मोटे हैं, आप सिंगल सिंगल पहन लीजिए ना बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये भी हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये आपके जिया जी ने मुझे आज ही दिलाए हैं, तो ये वाले भी अब ऐड हो गए हैं, कुंदन वाले भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं दिखाऊँ आपको, कंगन तो बहुत सारे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। उसके बाद ये भी एक जोड़ी कंगन है, ये भी बड़े सुंदर से हैं और मैं जूम करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते दीदी जूम करके दिखा दिया करिए स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने यहाँ भी मंगा सकूँ खरीद सकूँ, तो बिल्कुल आप अपने लोकल मार्केट में देखेंगे बड़े ईजिली मिल जाएंगे। ये एक जोड़ी कंगन है और उसके बाद एक जोड़ी ये भी ग्रीन है बट इनमें रेमबो कलर के ना जर्किन लगी हुई है, ये भी बहुत प्यारी कंगन है, बहुत प्यारी इन्हें, ये वो है जिन्हें आप सिंगल सिंगल पहन सकते हैं। तो एक जोड़ी ये कंगन भी है मेरे पास, उसके बाद ये भी हैं, ये मैंने पिछले साल खरीदे थे, इन्हें भी आप सिंगल सिंगल पहन सकते हैं और ये मेटल नहीं है, ग्रीन कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है, कम पहनती हूँ मैंने, कम ही पहनती हूँ बट हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये लाइट ग्रीन कलर के एकदम क्रिस्टल ग्रीन कलर है, ये बहुत प्यारा सा है। सो ये भी सावन के कंगन है मेरे जो कि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा उसके बाद ये भी मेरे पास है, इसको वो बोलते हैं लाख लाख वाली चूड़ी है, तो ये भी सावन की है और इसे इन सबको मैंने पहना हुआ है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसे आप कहें कि नहीं नया है, ये नहीं, इन्हें मैंने पहना हुआ अच्छे से पहना हुआ है। सो ये भी बहुत, और ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। उसके बाद ये मेरे पास चार कंगन, तीन ही हैं, इनमें से एक गुम हो गया, अब पुराने कंगन है मेरे, ये बहुत एक पता नहीं कहीं चला गया, या तो मोल गया या कहीं गुम हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। सो ये तीन ही बचे बट मैंने रखे हुए संभाल के, मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरे पास बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत कंगन हैं ग्रीन कलर के, ये देखिए बड़े ही प्यारे से ब्लिंगी से हैं, ये बहुत सुंदर कंगन है और ये भी कांच के हैं। इन्हें भी मैंने सारी चूड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना मैंने गड़बड़ झाले से ही ख़रीदा है। उसके बाद ये मेरे पास ग्रीन कंगन है सावन के, ये बहुत प्यारे कंगन हैं, ये आपको मीशो वगैरह पर भी मिल जाएंगे। और इसकी मेरे पास ना रेड भी है और शायद ऑफ वाइट या क्रीम कलर जो बोलते हैं वो भी मेरे पास है, ये भी बहुत सुंदर है। सो ये भी मेरे पास ग्रीन में है। अच्छा ग्रीन में मेरे पास ये दो बैंगल भी हैं और इन्हें मैंने रामेश्वरम से ख़रीदा था, मैं रामेश्वरम गई थी ट्रिप पर तो मैंने वहाँ से लिया था। सो ये मेटल की तो मैंने कम पहना है, ज़्यादा नहीं मैंने इन्हें पहना है, लेकिन हाँ ये है कि ये हैं। अच्छा उसके बाद मैं दिखाऊँ आपको इसको क्या बोलते हैं, घानी कलर सावन के ही कहने का मतलब, ये भी मेरे पास ग्रीन है तो बहुत प्यारा सा शेड है, ये भी ग्रीन का बहुत अच्छा लगता है। सो ये भी सावन का एक कलर है मेरे पास, बकाया मैं आपको अलग से ना डिटेल में कभी और चूड़ियों की वीडियो दिखा दूंगी। ये भी मेरे पास कंगन है दो जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, ये देखिए। सो ये भी सावन की हरी हरी चूड़ियाँ हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है सावन में ये कलर। और उसके बाद ये भी मेरे पास कंगन है जो कि बहुत सुंदर है, ये देखिए ये भी बहुत प्यारे कंगन है। और मैं ना आपको बताऊँ मैं इन्हें हर वीक चेंज करती रहती हूँ, जब भी मेरा मन भर जाता है तो मैं दूसरे कंगन उठा के पहन लेती हूँ, इसलिए थोड़ा पुराने भी नहीं लग रहे होंगे, ये पिछले साल के हैं शायद ये पिछले साल के हैं या ये उससे भी पिछले साल के, मुझे ना ठीक से याद नहीं आ रहा। और उसके बाद नेक्स्ट ये है, ये भाई मार्केट में 2-3 साल पहले आए थे और बहुत आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे ये, तो ये भी मेरे पास है और मैंने इन्हें खूब पहना, इसमें चार का भी सेट आता था बट मेरे पास दो का वाला है, चार वाला मैंने लिया था और मेरा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या वो एक एक करके तचड़ तचड़ करके टूटा, वो बहुत बुरी तरीके से गुम हुआ वो। अच्छा देखिए आपको दिखाऊँ मेरे पास कुछ कंगन ना ऐसे भी बचे हुए हैं, ये भी मैंने चार खरीदे थे, देखिए दो ही बचे हैं जो कि प्लेन है, बहुत ऑथेंटिक लगते हैं, आप आराम से इन्हें पहनिए कैरी करिए, बड़ा मज़ा आता है इनको पहनने में, हल्के रहते हैं। और इसका मेरे पास ना सिंगल अब एक ही बचा हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद था, अब ये एक ही बचा हुआ है मेरे पास, कभी कभी जब मैं घड़ी पहनती हूँ ना तो उसके साथ ऐसे पेयर कर लेती हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मतलब ये लुक मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, जिस दिन मैं घड़ी पहनती हूँ तो कहते हैं तुम एक हाथ में घड़ी पहनो एक हाथ में चूड़ी पहनो, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और नेक्स्ट ये है, इन्हें मैंने बहुत कम लिया, मतलब यूज़ में बहुत कम आई है मेरे, और इनफैक्ट ये उतनी अच्छी नहीं है इनकी क्वालिटी जितना मैंने इन्हें लिया था सोचा था, कलर से तो अच्छे बट क्वालिटी से ये बहुत अच्छे नहीं। तो कैसे गाना गा रहा है, पता नहीं क्या क्या उगाया जा रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं रहता इसका। और उसके बाद ये मेरे पास जो है वो लाख की चार चूड़ियाँ हैं, देखिए ये काले भी पड़ गए हैं कहीं कहीं, अरे बाप रे बाप। ये भी चार चूड़ियाँ हैं मेरे पास लाख की और इन्हें भी मैंने बहुत रफ तब पहना है बहुत ज़्यादा, हल्की होती है ना लाइट वेट होती तो अच्छी लगती है। अच्छा ये मेरे पास
और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास दो ही बचे हैं, इनके भी दो मेरे मोल गए हैं, मतलब ख़राब हो गए थे। तो ये दो, इनके अंदर अजीब सा ग्लिटर जो कि बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ये भी ग्रीन हैं दो। और उसके पास मैं आपको दिखाऊँ, ये चार कंगन ये हैं जो कि एवरीडे के हिसाब से अगर आपको बहुत भारी नहीं पहनना है तो ये बहुत एलिगेंट है, खूबसूरत भी लगते हैं और अच्छा लुक आता है। ऑल ओवर ये किसका लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास चार कंगन ये भी हैं और ये भी काफ़ी ख़राब हो गए, खूब पहना मैंने इन्हें, सावन में खूब पहनती हूँ तो इन्हें भी मैंने खूब पहना। ये देखें इस तरीके से, ये भी बहुत प्यारे कंगन हैं। और मैं अभी आपके साथ जो सावन के बैंगल का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम लगा इस वीडियो को आने में, लेकिन अच्छा लग रहा है। और देखिए ये जैसे है ना, ये भी देखिए तीन बचे हैं, उनमें से एक ना कहीं मेरे से गुम हो गया, कहीं तो गुम हुआ मुझसे एक। ये देखिए, क्योंकि खूब पहना तो खूब गुम हुआ है, मिल नहीं रहा, तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मुझे पता है इसका है कहीं गुम, वैसे मतलब नहीं मोला नहीं है, है मेरे पास। अच्छा, इसमें तीन ही बचे हैं, इसमें भी एक कहीं गुम हो गया मेरे पास से। ये देखें, इसे भी मैंने खूब पहना, मोल गया ये, मुझे पक्का पता ये मोल गया था। तो ये भी अब तीन बचे, लेकिन चूँकि दो हैं तो काम आएंगे, इसलिए मैंने उसको एक को हटाया नहीं, रखा रहता। अच्छा, ये दो कंगन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत सुंदर कंगन है। ये देखें, ये सेट ऑफ टू में आते हैं, सो ये वो हैं और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब तो जगह नहीं बची रखने की, कहाँ रखूँ। तो इस तरीके से अच्छा लगता है, आप बहुत प्यार सी चीज़ें खरीदते हैं, फिर उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर उनका एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है आपके पास। तो आपको अच्छा, देखिए ये ना चार हैं, मैं कह रही थी दो है ना, नहीं ये चार हैं, दो मिल गए। तो ये बहुत प्यारे हैं ये भी। सो ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे कंगन चूड़ियाँ मैंने आपको दिखाई दी हैं। और ये देखिए, ये भी बहुत प्यारे हैं, इन्हें भी मैंने खूब पहना है। अच्छा, चमक सबकी बरकरार है, वही बताया ना, पहन के एकदम मतलब उनको ख़राब नहीं करती हूँ, पहन लेती हूँ फिर चेंज कर लेती हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन चेंज कर लेती हूँ, इसलिए ना इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद ये देखें, ये बचे हैं पाँच, इन्हें मैं छः लाई थी बट ये एक इनमें गड़बड़ हो गया। तो ये भी बहुत सुंदर कंगन है, एकदम बढ़िया सा ग्रीन कलर है, ये बहुत प्यारे कंगन है। सो कंगन मेरे पास बहुत वैरायटी की, चूड़ियाँ थोड़ी सी मेरे पास कम होती हैं, हैं ही कम, होती क्या है, कम हो हैं ही कम। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये मेरे कंगन है और ये भी बहुत सुंदर कंगन है, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये जो मैं आपसे कह रही थी ना गुम हो गया, तो ये ना इसके साथ के हैं, गुम नहीं हुआ है, यही है, चार और चार आठ, हाँ देखेंगे ये ऐसे। और कभी कभी आप इन्हें ही सिंगल पहन लीजिए ना, दो दो चार चार, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं। सो ये वाले जो हैं ये हैं। अच्छा, ये दो मेरे गड़बड़ हुए, इन्हें मैं लाई थी, चार लाई थी और इसका ना मैं एक कलर और लाई थी, रेड कलर भी लाई थी बट वो गड़बड़ हुआ, रखा है उसमें भी एक कंगन उसका गड़बड़ हुआ। सो ये पूरी कांच की चूड़ी है और डबल कलर है इसमें, पैरेट ग्रीन एंड मूज ग्रीन, बहुत सुंदर लगता है ये, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। और नेक्स्ट मेरे पास एक कंगन ये भी हैं ग्रीन में, पैरेट ग्रीन कलर के हैं ये भी बहुत सुंदर है, क्रिस्टल शेड पर हैं ये, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। तो दोस्तों, ये तो था मेरा बैंगल्स का कलेक्शन। अब आप लोग पूछेंगे दीदी कैसे अरेंज करती हैं, तो इस तरीके के बैग ले लेती हूँ, ऐसे वाले, और इनमें सारी चूड़ियाँ मैं अपनी कंगन जो भी है सब अरेंज कर लेती हूँ। कैसा लगा आपको ये कलेक्शन बैंगल का, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कलेक्ट करना, और आपके पास क्या क्या कलेक्शन में है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।